तो केस को प्रेजेंट करने का मेरा मेन मकसद क्या था? आजकल क्या हो रहा है, ये 3 मंथ के ड्यूरेशन में क्या हुआ? ऑड मेडिसिन के इधर लोग भाग रहे हैं, ऑड मेडिसिन। मुझे दो तीन लोगों ने कमेंट किया, एचएचएस में कमेंट किया गया, अर्श में कमेंट किया गया कि सर दिस इज एन ऑड मेडिसिन, माई नो टू ऑल, नो टू ऑल लिख रहा हूँ। नो, दिस इज नॉट एन ऑड मेडिसिन। एक कॉमन रूटीन जो हमने यस के दुबे के फर्स्ट ईयर में पढ़े ना, वो 72 मेडिसिन पे मैं मैं आज कौन कौन से पॉइंट कवर कर रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, मेडिसिन का एनालिसिस और मैंने क्यों चुना। सेकंड पॉइंट, ये मॉर्बिडिटी क्या है, और केस अगर लेंदी हो, ये केस मेरी 118.7 सेकंड, 18 मिनट 7 सेकंड की केस है। लेंदी केस में हमें चलना कैसा है, पीपीपी का इंपॉर्टेंस क्या है, और टोटल व्यू को पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनन में डॉक्टर हेनीमन सर ने क्यों कहा, ये 5 पॉइंट पे मुझे चलना है। आज जितना हो सके उतना मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं केस की समरी बता देता हूँ। केस की एक खासियत क्या थी कि पेशेंट की उम्र 36 ईयर और पेशेंट एएनएम है, एएनएम यानी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। पेशेंट आते बराबर मुझे क्या बोलता है, मेरे पूरे ऑल ओवर द बॉडी स्वेलिंग आई हुई है, ऐसा बोलता है। तब तक मैं रेडी नहीं था केस लेने के लिए, तो मैं थोड़ा 1-2 मिनट उसको टाइम पास करके चालू करता हूँ। तो मैंने पूछा सवाल पहला कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, तो उसने कहा जलन है, आप पानी जैसा आता है, शोर पेन पानी आता है, ऐसा उसने बोला हुआ है। और मैंने जब से दवाई ली तब से प्रॉब्लम हो रहा है, और स्पेशली राइट लोअर अम्बिलिकल साइड में उसको पेन है, राइट में, और लूज मोशन का प्रॉब्लम है, और उसके साथ इचिंग एट एनस है। ये उसने शॉर्ट में जर्नी बताई कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। गैस्ट्राइटिस, इचिंग एट एनस, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम 1 साल से, और एनस का प्रॉब्लम, इचिंग एट एनस 2 मंथ से। सेकंड प्रॉब्लम था लोके वाइडिचल का प्रॉब्लम 2 ईयर से। और ये बंदे ने क्या किया कि ये पेशेंट ने क्या किया कि एक एलोपैथिक एमडी डॉक्टर की मेडिसिन ली, और उसका कहना ऐसा था कि मैंने खांसी की दवाई ली, इसके वजह से उसके बाद ही मुझे स्वेलिंग आई, और खांसी की दवाई लेने के लगभग जैसी दवाई खत्म होती है तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चालू हुआ, और मैं कुछ थोड़ा बहुत भी राइस खाती हूँ तो भी मुझे लूज मोशन लगते हैं। उसके बाद उसने डॉक्टर चेंज किया, सेकंड डॉक्टर ने गैस्ट्रोस्कोपी किया, सोनोग्राफी, फर्स्ट डॉक्टर सेकंड डॉक्टर में गैस्ट्रोस्कोपी की, सोनोग्राफी की, कुछ कुछ पॉइंट मिले, मैंने गैस्ट्रोसोनोग्राफी का रिपोर्ट भी डाला, और कुछ दिन दवाई लेने के बाद अच्छा लगा, फिर से वही प्रॉब्लम हुआ, फिर से वो डॉक्टर के पास गई, वही डॉक्टर ने रिवाइज किया, थर्ड डॉक्टर को दिखाया, फोर्थ को दिखा, सेम कंप्लेंट, एएनएम ने, सेकंड थर्ड वाले ने भी गैस्ट्रोस्कोपी की हुई है, पर कुछ भी नहीं। और ऐसा उसने बताया 4 मंथ के बाद ये प्रॉब्लम चालू था, पर मुझे एक मेरे कलीग ने बताया कि आपके पास जाइए, इसलिए मैं आपके पास आई। तो यहां तक मेरी जर्नी 6 मिनट हो चुके थे, 7वें मिनट का सवाल था, इसको लेके आपको क्या लगता है और क्या टेंशन है। तब जाके पेशेंट ने बोला हुआ है कि ओटी में मैं काम करती थी, मैं एएनएम हूँ, और ओटी में एक पेशेंट आया था और उसको नेक्रोज ऑफ इंटेस्टाइन, ये मेरा वर्ड था, नेक्रोज ऑफ इंटेस्टाइन, उसका वर्ड ये था कि अंदरचे आतड़े संपूर्णपणे सड़ले होते। म्हणजे उसका कहना क्या था कि जैसे उसको ओटी में लिया हुआ है और ओपन किया है, एब्डोमेन को ओपन किया ना, तो उसके पूरे इंटेस्टिनल पार्ट, स्टमक का पार्ट, कुछ तो भी ऐसा ये हुआ था, प्रॉब्लमेटिक हुआ था, इतना समझ लो। तो उसको मैंने नेक्रोसिस वर्ड दिया, मे भी उसको कुछ और कहना होगा। तो उसको तो मैंने यहाँ पे एक बात क्लियर करने के लिए मैंने तो पूछा आप, क्योंकि ये एएनएम थी, तो मैंने पूछा कि आपकी तो गैस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है ना, फिर क्यों? पर सर बताते नहीं आता। इसने क्या बोलता, बताते नहीं आता किसको क्या होगा। अच्छा, यहां तक मैं पहुंचा था। यहाँ पे पेशेंट रिलैक्स था, बढ़िया करके हंस रहा था सब कुछ, पर जैसे मैंने आईपीआर पूछा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है आईपीआर में, आई मुलगा, डॉटर एंड सर, फिर मैंने बारीक आवाज में मिस्टर, तब इसका चेहरा थोड़ा लो का, लोअर आइज, अपर आइज नीचे गई, और यहाँ पे काउनिंग चालू हो गई। तो फिर से उसका दबा और उसने शांत होके ऐसे शांति से जवाब दिया, थोड़ा आंखों में पानी भी था, पर क्या था ये मिस्टर का मैटर उठाते बराबर क्या कहा इसने। तो 5 साल देखो उम्र इसकी, एक पेन और कागज साथ में लेके चलते रहना मेरी जब क्लास हो रही थी, तो क्योंकि एक एक पॉइंट को क्लियर करता है। 36 ईयर में
शायद अब मेरे पास आया पेशेंट बड़ी थर्टीन ईयर का इसका ध्यान में रखना, तो इनके दोनों केस में वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसने वर्ड डिवोर्स के केस पड़ी हुई, तो घर का भी टेंशन था। इसने ऐसा नहीं कहा कि डिवोर्स की केस पड़ी हुई, हमारा सवाल था ओके आगे बढ़िए आगे पड़ी हुई के बोले हमें आगे चलना, मैंने उसको बोला तो घर का भी टेंशन था, तो उसने सिर्फ यहां से वो जहां पे उसका घर था वहां से प्रॉब्लम 150 किलोमीटर 5 साल से हम अलग रहे थे, सेपरेट एरिया में काम करते थे, तो इसका इसने क्या किया था फिर बोला 2 to 4 years से सेपरेट फ्रॉम द हस्बैंड। तो मेरा ये सवाल था फिर के गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि मैंने बोला ओके डिवोर्स पेशेंट प्रॉब्लम क्या हुआ था, फिर जाकर जल्दी जॉब आके नम हो गए और जो मैंने यहाँ पे वो पॉइंट लिया और बढ़िया एंजॉय पे के बात कर रहा था पेशेंट वो थोड़ा लूज हो गया। तो नहीं नहीं सर क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट आया तक चल रही, वो सेकंड पार्ट आया था केस डाली हुई मेरे ऐसा बोल रहे मुझे ऑफिस में प्लेस देते इसके बलबूते पे निकाला ये अब्यूज करते थे जहाँ पे उनका टेंशन होती थी। घर का क्या टेंशन वहां पर आके मुझे धमका, इसने जो बोला ना कि मेरी आई रही थी, आई बोले तो मम्मी, फिर अभी मम्मी बोले तो बच्चों को ससुर रहते होंगे पर ना तो मेरे खुद की मम्मी दोनों थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक एक पॉइंट क्लियर करना ठीक है, तो घर का टेंशन था, घर का भी टेंशन था, घर का टेंशन यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उस पर कब्जा कर, घर का भी टेंशन था वो ना EMI भरता से वो जहाँ ऊपर जो 200 किलोमीटर उसका भी पैसा यही लेता एरिया में काम भी मुझे नहीं देता, इसका इसने क्या किया इसने बोला और उसके आखिर नम हो तो मेरा ये सवाल था कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि तो सवाल ये था डिओ स्पेशल में वो चलो कैसे जल्दी जॉब लग जाती है घुमाने यहाँ पर, मैंने बोला अभी क्या टेंशन है फिर क्योंकि मुझे अभी कब लग गई प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रेडोमिनेंट डिवोर्स के केस ही फाइल मुझे क्या था अभी क्या चल रहा है केस बोले मुझे 1% ऐसा बोला यानी अभी रिलैक्स होकर फिर से बात के बल पे थी मुझे 1% भी टेंशन नहीं है घर का टेंशन है। अच्छा घर का क्या टेंशन है क्योंकि रिलैक्स होने पर बोला था मैंने वही आई रही थी आई बोले तो मम्मी अच्छा फिर भी हस्बैंड का बोले तो मुझे लगा मदर इन लॉ रहती होंगी सभी कभी सोच सास ससुर ससुर रहते अभी क्या हुआ पर ना मेरे खुद की मम्मी रहती ऐसा वर्ड उसने यूज किया था क्योंकि एक तबीयत थोड़ी इलनेस हो गया था बीमार का टेंशन था इसके मुझे लेके जाना घर का टेंशन तब समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ EMI भी मैं भरना चाहिए था तो मेरे हस्बैंड ने उस पर कब्जा कर लिया था वो ना EMI भरता था और ऊपर जो दो रूम थी वो ब्लॉक भाड़े से दी हुई थी रेंट पे दी थी तो उसका भी पैसा यही लेता था। अच्छा वो भी मुझे नहीं क्या लगता है ये इसने सब कुछ मुझे अकेले को संभालना पड़ता है सर यहाँ पे मैं रुक गए अब मुझे किसी का डर नहीं लगता ये वर्ड अब मुझे फिर से जो मैं खुद का मुझे प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट मुझे क्या था कि अभी क्या अब तो कुछ भी मुझे 1% भी अभी रिलैक्स होकर फिर से बांके की चोट में जो 1% भी अब रिलैक्स होने के बाद फिर से मैंने वही पॉइंट पे उसको बोल रहा अच्छा अच्छा फिर हस्बैंड का सोचते हो कभी कभी सोचते हो अभी क्या हुआ रूटीनली 3-4 दिन पहले क्या हुआ था मेरे लड़के की तबीयत थोड़ी इलनेस हो गया था बीमार हो गया था तो मुझे ही लेके जाना पड़ा तो तब समय में मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ भी कोई होना चाहिए था ये उसको अभी लगा था। अच्छा अच्छा और क्या लगता है तो सब कुछ मुझे अकेले को संभालना पड़ता है सर पर हाँ अब मुझे किसी का डर नहीं लगता है ये वर्ड उसने ऐसा बोला अब मुझे किसी का डर नहीं लगता है जो भी होगी फिजिकली मेंटली मैं खुद कवर करूंगी ये उसने बोला।
होगा देखा जाएगा, पेशेंट का सेंटेंस का क्या था, अब जो भी होगा देखा जाएगा, नारी बनी काली, हियर इंपॉर्टेंट इज लव मैरिज ऑफ पेशेंट, क्योंकि इसने कम उम्र में शादी कर ली, 21-22 उम्र में शादी कर ली, ऑफ पेशेंट एज ऑफ 22 इयर्स इज मैरिड, देन वन डॉटर एज, एक जो था डॉटर बड़ी लड़की 13 इयर्स की, छोटी लड़की 7 इयर्स की, नाउ लाइव विथ मदर, उसकी खुद की मम्मी रहती थी, सन डॉटर बन ली, नाउ डिवोर्स मैटर ऑफ द पेशेंट, ओके, सेपरेट फ्रॉम 5 to 6 ईयर बट केस फाइल नाउ, ये भी ख्याल रखना है कि 5 से 6 साल थी तो तू अब तक कर क्या है, ये भी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 6 साल तक रोकता है क्या कोई, ये भी ख्याल रखता है, आपके दिमाग में यहाँ पे टिक आने को होनी थी कि 6 साल तक तेरे घर वालों ने कैसे क्या रोका, घर वालों ने क्यों रखा, क्योंकि तेरा लव मैरिज था ना, तूने पैर पे कुराड़ी मारी थी ना, तो घर वाले क्यों सपोर्ट, तब भी इसने क्या कहा, फर्स्ट वर्ड था कि मेरी मदर, फर्स्ट वर्ड था मेरी मदर, यानी इसके माँ, यानी इसको कहा तो भी एक मोरल सपोर्ट मिलना चालू हुआ था, ओके, जो पेशेंट बात नहीं करता था उसने नेचर बताया था माइल्ड था, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, डंके की चोट पे बोल रहा है, मैं तो अभी 1% भी टेंशन नहीं लेती, देखो मैटर डिवोर्स का दो उसके एक डॉटर एक सन माँ साथ में, और केस फाइल हुई डिवोर्स की, जिस डिवोर्स की केस जिसकी फाइल होती है, जहां तक यानी मैं एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, या फिर कोई ये भी ग्रुप में जिसका भी होगा कुछ नहीं होगा ऐसा मैं समझता हूँ, थोड़े बहुत जो एडवोकेट लोग मेरे पास है वो बताते हैं कि सर डिवोर्स के केस में आगे मैजिस्ट्रेट के सामने आपको खड़ा रहना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं, तो ये लड़की बोल, ये पेशेंट बोलते जो भी होगा देखा जाएगा सर, भगवान पे छोड़ो मैं कर दूंगी, तो वो डिवोर्स के केस खुद फाइल कर रहे, देखो अभी क्या कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिया बट एब्डोमेन शोज टेंशन, क्योंकि एब्डोमेन में वो बताया हुआ था, आपने उसका सोनोग्राफी का रिपोर्ट दिखा था, ये उसका मेटापोर था, पेशेंट ऊपर से कितना भी बोले पर बैक ऑफ माइंड उसके दिमाग में रहता ही है, वो यहाँ पे करेजियस रूब्रिक मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया, और करेजियस में 53 मेडिसिन थी और मैं यहाँ पे 53 मेडिसिन पे आ गया, ये मेरा फर्स्ट एंट्री पॉइंट था। अब प्रॉब्लम क्या था कि मैं करेजियस हूँ, मैं हिम्मत वाली हूँ, पर मैं हिम्मत वाली क्यों बनी हूँ इसका भी तो रिजल्ट ढूंढना है, क्योंकि हमें पोर्ट्रेट बनाना पड़ता है, एक के पीछे चलना पड़ता है, मैं हिम्मत वाली क्यों बनी हूँ, मैं तो माइल्ड थी ना, मैं हिम्मत वाली क्यों बनी, तो इसका रीजन क्या था, क्या प्रॉब्लम हुआ था इसको, इसमें ओनली 49 मेडिसिन है, अब इसको हम कम करते, इसको अगर हम ज्वाइन करते चले तो 10-15 के बीच अपना पिक्चर आएगा, ओके। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या रहता था, मैं PPP प्रेजेंट परसिस्टेंट, परसिस्टेंट यानी बार बार बोलने वाला, मैंने भी जब केस रिटर्न की ना तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई कितने बार करना है, यानी पेशेंट ने रिपीटेडली क्या बोला, तो यहाँ पे पेशेंट रिपीटेडली सेज ऑफ मैटर व्हेन शी कैन जॉब those necrosis of intestine of patient same impression यार, यानी वो मैटर क्या था उसका कि मैं जब ओटी में थी और ओटी में पेशेंट को लिया गया तो मैंने जो वो नेक्रोस देखा था ना, तो अब सुनो इसके बाद ये जॉब पे लगी हुई है, अब जॉब पे लगने के बाद भी इस पे दिमाग पे आ रहा है ना कि मेरा तो वैसा नहीं था, जहां पे इसकी गैस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है, ये मेडिकल प्रोफेशनल लेडी है ना, इसको तो पता है ना कि मेरी गैस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है, मेरी इसमें कुछ भी नहीं, डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चला, सोनोग्राफी भी हो चुकी है, फिर नेक्रोस का कुछ सवाल आएगा, स्टमक अल्सर का कुछ सवाल आएगा, इरोजन का कुछ सवाल आएगा,
तो यहाँ पे मैंने एक गलती की थी जहां पे मैंने सुपरस्टिशियस लिया था, पर सुपरस्टिशियस मैं इसलिए नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो बंदे को उसका रीजन पता है कि नेक्रोस क्यों होता है, तो यहाँ पे मैं सुपरस्टिशियस नहीं लूंगा। यहाँ पे उसके दिमाग में वो इंप्रेशन गिरा हुआ है, तो मैंने रूब्रिक लिया था इंप्रेशन पर, क्योंकि इतना लिमिट जाने के बाद भी उसके दिमाग में है, तो इंप्रेशन पर रूब्रिक तक मैं पहुंचा कि इसके दिमाग में इंप्रेशन गिरे। देखो मैंने रूब्रिक क्या किया, पहला क्या लिया, करे लिया हिम्मत वाला। हिम्मत वाला क्यों बनी, क्योंकि सेक्सुअली एब्यूज किया। सेक्सुअली एब्यूज करने के बाद क्या हुआ कि ये दो पॉइंट हो गए पी पी पी। फिर आप उसने परसिस्टेंट बार बार क्या बोला कि वो जो मैटर हुआ था तो यही इंप्रेशन था, पर इंप्रेशन के वजह से क्या हुआ था इसको ये भी तो सोचना है। इंप्रेशन ने इतना असर दिखाया इसको कि वही वही बार बार वो पेशेंट बोल रही, पेशेंट को जो डर था ना वो पेशेंट बोल रहा, पेशेंट ने दो वर्ड डर, मुझे ऐसा लगता है। मैंने वहां पे क्रॉस किया था कि ये एंजाइटी है कि उसका डर है, क्योंकि मैंने सवाल पूछा था आपकी तो गैस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है फिर क्यों डरते, तो वो पेशेंट ने क्या बोला, सर बताते थोड़ी आता है, यानी उसके हाव भाव भी हमें देखना है कि हम एंजाइटी लेना कि फियर लेना। तो यहां तक मैं मेडिसिन तक पहुंच चुका था, मेरे मेडिसिन दो तीन इग्निशिया नक्सोमिका चल रही थी, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त सेस टू इग्निशिया, ये इग्निशिया है और कॉमन मेडिसिन है, अनकॉमन नहीं है। सचिन सर आने के बाद सब कुछ अनकॉमन ही होता है, ऐसा नहीं है क्या, सिंपल सिंपल भी सोचते चलो। ओके चलो आगे, अब क्या हुआ मैं म्यूजिक इंडिफरेंस हो गई, वो जो प्यार था ना लव था ना उससे मैं इंडिफरेंस हो गई। तो ये एक रूब्रिक है इंडिफरेंस फिच ही लव्स टू म्यूजिक। ओके पेशेंट को जो डर था फिर एक ये रूब्रिक ले लेता हूं मैं बीच में, क्योंकि ये भी मैंने सोचा था स्टमक मैंने डाल के, मैंने ये कोई तो भी ग्रुप में या फिर यही HHS ग्रुप पे मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं मिलता और हम एक पॉइंट तक चले तो एनालिसिस का पार्ट हमें कैसे करना चाहिए, सर्च में जाके कैसा हमें करना चाहिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं वो यहाँ पे वो मैटर नहीं लूंगा। फियर अल्सर इन स्टमक ये सिंपल सा रूब्रिक मैंने वहां पे डाला था, पर यहाँ पे मैं कंफर्म हुआ था कि ये इग्निशिया है करके, नॉट एन नाइट्रोमोर, नाइट्रोमोर भी कट जाती है आगे चलते। एक रूब्रिक लिया था मैंने, थोड़ा म्यूजिक को अपन समझते हैं, म्यूजिक फॉर इग्निशिया इज ए मोरल। हाँ अब प्रॉब्लम क्या हुआ, सब बंदों का प्रॉब्लम क्या हुआ ग्रुप में, इग्निशिया कैसे मोरल वाली है, नैतिकता वाली है, धार्मिकता वाली है। अरे नहीं ऐसा नहीं होता रे भाई लोगो, ऐसे नहीं होते रिस्पेक्टेड डॉक्टर, हमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव शेड दोनों देखने चलना पड़ता है। इग्निशिया म्यूजिक फॉर इग्निशिया इज मोरल बट दिस रूब्रिक रिलेटेड टू IPR। और मेरे गुरु हमें बढ़िया बाकी महेश सर ने एक्सप्लेन किया था और महेश सर ने हमें पढ़ाया भी है इग्निशिया दोनों पॉइंट में पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में कैसा सोचना चाहिए। जब तक और इग्निशिया की क्या रहती है, एक फियर इनवैलिडिटी रहती है, और ये बढ़िया पे कि महेश सर ने हमें पढ़ाया है, मुझे पढ़ाया है, तो मैं महेश सर का स्पेशली थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो ये रूब्रिक क्या था कि फियर इनवैलिडिटी की वजह से ये रहता है कि नहीं सुनाती है तो इसको ऐसा लगता है कि मैं इनवैलिड ना हो जाऊं, इसलिए वो लय तालमय धन से पूरा काम करते लिए रहती है। ये म्यूजिक था, हम डांसिंग जैसा शेपिया का देखते हैं तो वैसे म्यूजिक हम इग्निशिया का भी देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट आ रहा डेलुजन स्नेक व्हाइट, ये भी मैं समझाऊंगा आपको, मैं इसको थोड़ा डेलुजन व्हाइट स्नेक। अब स्नेक के प्रकार कैसे, हमारे इसमें क्या है रेपर्टरी में स्नेक है, टाइगर है, एलिफेंट है, सब एनिमल हमारे इसमें डॉक्टर केन डॉक्टर हैनिमन साहब ने
रख दिए होंगे, तो प्रॉब्लम क्या जाता है? हमें डॉक्टर हैनीमैन का मैथमेटिक्स का पता ही नहीं है, और हमें एच ए रॉबर्ट का सेंसेशन पता ही नहीं, हमें पाठक का पता ही नहीं, हम क्या करते बस लिया नया मैटर लिया बस वो उस पर वर्क करते, ऐसा नहीं होता है। मैं भी जो पढ़ा हुआ ना, मैं एच ए रॉबर्ट का सेंसेशन पढ़ा हुआ है, वो नैश सर की भी नैश की बुक पढ़ा हुआ, एच ए हैनीमैन सर, यानी आप ओरिजिनल पढ़ो तब आपको ये पता होगा कि ये व्हाइट स्नेक क्यों हुए और ब्लैक स्नेक क्यों हुए। ओके, डेलुजन स्नेक व्हाइट में सिंपल सा बता देता हूँ, व्हाइट स्नेक का, व्हाइट स्नेक का मीनिंग क्या होता है बाइबल में क्या है? क्योंकि बाइबल क्यों बोल रहा हूं मैं कि जो लिखा हुआ है ना डॉक्टर क्वेन का, तो वो बाइबल था, हमारे इधर भगवत गीता और अदर जो भी होगा वो, तो उससे रिलेटेड क्या था कि स्नेक को क्या कहा हुआ है, विजडम कहा हुआ है, कनिंग कहा हुआ है, कपटी कहा हुआ है, इंप्रटेंट कहा हुआ है, ऐसा एक रूब्रिक है। अब व्हाइट, व्हाइट का मीनिंग क्या होता है, मेरी व्हाइट कॉलर है, व्हाइट है, तो क्या बोलेंगे, व्हाइट को मीनिंग क्या लेंगे, व्हाइट यानी प्यूरिटी, प्रोटेक्शन, और व्हाइट ब्लड सेल भी रहते हैं हमारे, इसमें आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है। व्हाट क्या करता है डब्ल्यूबीसी, क्या करता है डब्ल्यूबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, वो जो कैंसर सेल है ना, बाहर के जो सेल है, बाहर के जो जंतु है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है या फिर उससे फाइट करता है, फाइट टू द कैंसर सेल। मैंने शॉर्ट में लिया, क्या परफेक्ट पैथोलॉजी अगर बता दूंगा तो वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि 34 मिनट हो चुके हैं, तो मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। तो फाइट टू द कैंसर सेल, अब कैंसर क्या होता है कि बाहर का आदमी, और वो भी सफेद कपड़ों में, यहां पे बाहर का आदमी सफेद कपड़ों में कौन था, इसका हस्बैंड था, ये ख्याल में लो आप, यानी स्नेक है, एसएनए के यस है, अनेक है, एक से ज्यादा, पर यहां पे अकेला था, तो यहां पे वो था, तो इस डेलुजन व्हाइट स्नेक, यानी मेरे आजू बाजू में। अब प्रॉब्लम क्या होता है इग्निशिया का, इग्निशिया डेलुजन स्नेक में भी है, 26 मेडिसिन के साथ है, डेलुजन स्नेक इन एंड अराउंड हर इसमें भी है, डेलुजन ब्लैक, डेलुजन स्नेक ब्लैक में सिर्फ सिंगल मेडिसिन अर्जेंटम है, ये भी ख्याल रखना है आपको कि एक ही मेडिसिन है, उधर अर्जेंटम है तो इधर इग्निशिया, दोनों मेडिसिन उसका डेटी बाद में करते बैठेंगे। और डेलुजन व्हाइट स्नेक में सिर्फ सिंगल आर्सेनिक है, फियर, अच्छा इसका प्रॉब्लम क्या है, मोरल होने जो होने की वजह से फियर ऑफ स्नेक भी था, उसमें सिर्फ 25 मेडिसिन, ये क्यों करेजेस होती है इग्निशिया, इस पे भी थोड़ा आएंगे आपको, और खुद होके क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उसको इनवैलिड नहीं होना है, फियर इनवैलिडिटी में बैठा हुआ है, ये खंड में रखो आप। तो क्या है, इग्निशिया डन एवरीथिंग फॉर एवरी पर्सन ऑफ फैमिली, बट व्हेन इग्निशिया नॉट डन इज वर्क, देन फेल इनसिक्योरिटी इन हर माइंड, जब इग्निशिया को ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उसमें इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, टू लॉस्ट एवरीथिंग, जो मैंने बना बनाया था वो सब चला जाएगा, क्योंकि इसने क्या गलती की थी, पहले लव मैरिज किया था, यानी जो अपने पेरेंट्स थे उनको दर्द दिया था, बाद में जिस पे सपोर्ट किया था उसने पलटी मानी, वो व्हाइट स्नेक निकला, तो फिर इसको तो लगा ना कि अगर मैं इसके सामने झुक जाती हूँ तो मेरा क्या, मेरा क्या, मैं तो इनवैलिड हो गई ना, क्योंकि घर वालों से तो चली गई थी, फिर इसको क्या करना था, इसके पास तो एक ही मकसद था कि मुझे कर दिखाना है। ये फिल्म का अब ब्रेक के बाद का टाइटल आ रहा है, तो मुझे कुछ कर दिखाना है, जिनके लिया किया वो मुझे देखते खिलाते नहीं, मेरा परिवार ही मेरा दुश्मन है, जो पैरों पे मैंने खड़ा किया था वो पैरी मेरे आज नहीं है, तो कैसी हारमोनी, कैसा संगीत, जिसके लिए मैंने शादी की वही नहीं रहा तो मेरा क्या। इग्निशिया खुद को गिल्टी मानता है क्योंकि उसने गलत किया, उसने जो सेंटेंस बोला अगर मैंने थोड़ा बहुत अपन जपून के तो बरा वाटे, यानी मैंने थोड़ा बहुत सोच समझ के किया होता तो अच्छा होता था, ये वो गिल्टी था। डेलुजन वॉव शी इज ब्रेकिंग, जो मैंने सात फेरे लेते समय जो मैंने लिया था वो तो ब्रेक हो गया ना, फिर मैं गिवअप। डॉक्टर केन ट्रेपटरी ने, केन साहब ने क्या लिया, थॉट परसिस्टेंट म्यूजिक अबाउट इन इवनिंग। डॉक्टर केन के इसमें सिर्फ सिंगल इग्निशिया है। इवनिंग में हम क्या करते हैं, इवनिंग, व्हाट इज मीन बाय इवनिंग, इवनिंग यानी दिन भर की लोचे, दिन भर का काम करने के बाद, मैं डॉक्टर हूं तो दिन भर के पेशेंट है, इवनिंग में शांति से मैं बैठूंगा और मैंने दिन भर क्या किया ये सोचता हूँ, यही कंडीशन इग्निशिया की है। थॉट परसिस्टेंट बार बार आते हैं म्यूजिक अबाउट इन इवनिंग, मैंने क्या किया, मेरे इसमें क्या हुआ, मेरे लाइफ में क्या हुआ, इसमें सिंगल इग्निशिया सोचने वाला, क्योंकि वो मोरल बंदा है।
मीन्स इन इवनिंग सब दिन भर की भागदौड़ करने के बाद भी इग्नेशिया घर वालों परिवार वालों के बारे में सोचता है. मीन्स जहां इनवैलिड फियर लूजिंग फॉरसेकन फील बाय पेयर देन इनडिफरेंस. फिर इसने क्या किया कि मैं तो वो बंदे के बारे में सोच रही थी पर उसने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं इनडिफरेंस हो सर. तो यहाँ पे मैंने वो थ्योरी ऑफ इरक्शन चार्ट यहाँ पे कैसा लगता है, क्यों लग सकता है, ये भी मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है. व्हाइट स्नेक ब्लैक स्नेक का भी वहां पे पढ़ाया हुआ है, ये कैसे रखते हैं रेप्टाइल्स को बाइबल्स में क्या होता है, ये पॉइंट आने का है. ये पॉइंट मेरे चौथा अभी एचएचएस का फोर्थ सेशन चालू है और आई थिंक एचएचएस का ही जो इसका भी स्टार्ट होने वाला है न्यू ईयर से. वो आई थिंक अशोक सर ने डेट डिक्लेयर किया कि नहीं कि पता नहीं मुझे. एक तो मकर संक्रांति 14 तारीख को आती है वहां से स्टार्ट हो जाएगा या फिर 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि कैसे प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे आपको वीडियो केसेस नहीं बता पाता हूँ, यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इग्नेशिया में कैसा बढ़ेगा, वो एनिमस पोजिशन में कैसा जाएगा, यहाँ पे एलडीएस लेवल उसकी कैसे कम होगी, बल्कि यूटेरस का मेटाफोर क्या होगा, ये सब बातें मैं इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ. क्योंकि यहाँ तक जहां तक मैं केस ले रहा हूँ तो 53-58 वन आवर तो इसमें निकल जाता. तो हर बात हम यहाँ पे नहीं ओपनली बता पाते, इसलिए वो ये लेके अशोक सर और हम 3-4 बंदों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ, उसका फोर्थ सेशन चालू ही है अभी. और फर्स्ट बेसिक हम एक तो 1 तारीख से या फिर 14 तारीख से भी करेंगे. जो बंदे भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो अशोक सर से कॉन्टेक्ट कर ले. अगर कुछ ये केस को लेके कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं. ओके थैंक यू. हाँ सर, सर कार्सिनोसिन में रिबेलियस में जाता है ना, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? ओके वेरी गुड. हाँ मैम देखो, मैं थोड़ी मेरी टेक्निक बताता हूँ आपको डीडी करने की. यहाँ पे रूब्रिक लिए ऐसा मत करते चलो. कार्सिनोसिन कहाँ से बनता है, उसके प्रूविंग क्या है वो देखो थोड़े बहुत. कार्सिनोसिन डिस्ट्रक्टिव होने के बाद बनता है. कैंसर पहले बनता है क्या मैम? नहीं. हाँ फिर यहाँ पे कैंसर तक लेवल चे गई क्या? सिंपल यानी देखो, हर बार अगर आप मेरा देखो यानी आप ये मत सोचो कि ये रूब्रिक और फिर मैं डीडी करूंगा. ना ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. एचए रॉबर्ट ने सेंसेशन मेथड में यही बताया हुआ है कि आप उसका हेड टू फुट समझो, उसके पॉजिटिव वे तो समझो तो निगेटिव वे समझो. अब कार्सिनोसिन दोनों इसमें आए, मेरे भी चार्ट में कार्सिनोसिन आया ना, पर मैंने क्या बोला कि कार्सिनोसिन रिपेयर जाता है ना, बराबर है, राइट है, पर कार्सिनोसिन बनता है क्या, उसकी स्टोरी मैच हो रही क्या? हमने फर्स्ट ईयर ऑर्गेनॉन में यही पढ़ाया गया है ना, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज. हमें ये हमारा क्या है कि हमारी रेपर्टरी मॉर्बिड बनी हुई है, यानी कॉमन मेडिसिन कॉमन जो पेशेंट ने बनाया वो 4-5 लोगों की प्रूविंग हुई और उसको मिक्स करके हमने एक डेल्यूजन दे दिया. वो एक का तो नहीं है ना, ये आप समझने की कोशिश करो. हम क्या करते हैं, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है आजकल, हाँ ये केस है कार्सिनोसिन की, ये केस है और इसको ये रूब्रिक लिए और हमने ऐसा डीडी किया, ऐसा नहीं हो रहा है. आप डॉक्टर पाठक को पढ़ो, पाठक सर के केसेस निकाल के देखो. पाठक सर ने डीडी दिया हुआ है, साइकिल सर ने डीडी दिया हुआ है. कैसे दिया हुआ है? तो साइकिल सर ने ऐसा नहीं किया कि ये यहां तक जाता है. अरे नहीं रे भाई, ऐसा नहीं होता है. उसकी प्रूविंग देखो ना, सिंपल सा है ना. मैंने थोड़ी होम्योपैथी खोज निकाली, होम्योपैथी तो ऊपर वाले बंदे ने निकाली ना, डॉक्टर हैनिमन सर ने निकाली है ना. आप डॉक्टर हैनिमन को देखो ना, डॉक्टर केंट को देखो ना, उन्होंने उन्होंने इग्नेशिया और कार्सिनोसिन का काफी भी तो रिलेशन दे दिया. तो सिर्फ उसके मेरा कहने का क्या है कि प्रूफ कहां से हुआ, जो हमने फर्स्ट ईयर का नॉलेज लिया ना उसको सिर्फ यूज करो, आपको कुछ भी जरूरत नहीं करेगी. इवन रडार ने भी यही किया हुआ है. रडार के ऊपर जब चार्ट आते ना तो उसमें भी यही है, प्रूविंग कहां से हुई है. तो आई थिंक हर इसकी प्रूव करने की जरूरत नहीं गिरेगी. वैसे भी कार्सिनेशन माइंडनेस में जाता है, इग्नेशिया का बियर सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट में रहता है,
कार्सिनोजेन सर्वाइवल में रहता है, कार्सिनोजेन खुद की ये नहीं करता, यानी खुद ही सर्वेंट में रहता है, वो किसी को ये नहीं करेगा कि तूने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं करता है कार्सिनोजेन, यहां तक रहता है। कार्सिनोजेन भी बाद में इसमें चला जाता है, पर हम कार्सिनोजेन का ऐसा नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री सूट नहीं हो पाएंगी कार्सिनोजेन की। कार्सिनोजेन भी कॉन्ट्ररी विद पेरेंट्स में जाता है, डेलुजन रॉन्ग सफर में जाता है, डेलुजन मर्टर, डेलुजन ऑफ बिंग मर्टर में चला जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं बचा हुआ है। डांस रिस्पॉन्सिबल रहता है बट विदाउट इंटरेस्ट रहता है। कार्सिनोजेन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल बट विदाउट। सर्वेंट क्या करता है, तुम्हारे घर पे आके झाड़ू मार के जाता है, उसको लगता है क्या कि मैं करूंगा, ये करूंगा, साफ सुथरा करूंगा। आपके घर में अगर एक आदि आपने रखी होंगी, रिसेप्शनिस्ट रखी होंगी, तो वो आपका क्लिनिक खुद का क्लिनिक मान के नहीं चलता ना। कार्सिनोजेन कैंसर माइजर यही तो है ना, तेरा शरीर मेरा थोड़ी है, मैं तो उसको मारूंगा ना, यही तो व्हाइट सेल है ना, व्हाइट सेल अपोजिट टू कैंसर, ये इग्निशिया है। मैम ने पूरा कार्सिनोजेन पढ़वा दिया शॉर्ट में मेरे से तो 5 मिनट। ओके चलो मैम, आपको समझने का मीनिंग आया क्या, मुझे क्या करना है कि मुझे पढ़ाना नहीं है, आप समझो कि कैसा चलना है मुझे। आई थिंक मैम इज सेटिस्फाइड। यस 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 सर, थैंक यू सो मच। ओके चलो।